So, आज मैं आपको नूडल्स के बारे में बताऊंगा कि नूडल्स आपके लिए अनहेल्दी क्यों है। आप देख सकते हैं नूडल्स किसी भी ब्रांड के हो, डजंट रियली मैटर। जो नूडल्स है आपके लिए अनहेल्दी, सबसे ज्यादा पहली बात तो ये है फैट। जो नूडल्स के अंदर फैट है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती है। सो जब कंपनी नूडल्स को बनाती है, सो कंपनी क्या करती है, ये ऑलरेडी इसको फ्राई करके, इसे डीप फ्राइड, ये फ्राइड किया हुआ ऑयल के अंदर फ्राइड करने के बाद उसको बनाकर पैकेट में डालते हैं, और जिसको आप 2 से 5 मिनट के अंदर पानी डालकर कुक करते हैं। सो आपको मालूम है ये ऑलरेडी कुक की हुई है, इसके अंदर ऑलरेडी डीप फ्राइड की है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट है। वो फैट आपके लिए सही नहीं है, सैचुरेटेड फैट, और ट्रांस फैट भी हो सकती है, क्योंकि मालूम नहीं है कि कितने टेम्परेचर में इन्होंने फ्राई किया था, वो ऑयल का टेम्परेचर क्या था, वो हीट का टेम्परेचर क्या था उस समय जब इन्होंने फ्राइड किया था। आपको मालूम है कि ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ऑयल के टेम्परेचर में कोई भी चीज कुक करते हैं वो ट्रांस फैट, वो सैचुरेटेड हो जाती है, दैट्स व्हाट कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। तो वो फैट आपके लिए अच्छी नहीं है, राइट? चाहे वो ऑलिव ऑयल भी हो, अगर वो ऑलिव ऑयल को भी अब ज्यादा देर तक आप कुक करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है टू सैचुरेटेड ट्रांस फैट। वेल एनीवे, तो कंपनी आपको कहती है कि इसके अंदर ये पीस है मेरे पास में नूडल का, इसके अंदर लगभग 15 ग्राम्स ऑफ फैट है, 13 ग्राम्स सैचुरेटेड फैट है, सो विच इज अनहेल्दी, राइट? सो फैट कंटेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर हाई है, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद सेकेंड है सोडियम, मतलब सॉल्ट। इसके इस पैकेट के अंदर, हर एक नूडल्स के पैकेट के अंदर आपको मालूम है एक स्मॉल पैकेट होता है जिसके अंदर सारे स्पाइस है, जो मसाले हैं, राइट? सो आपको मालूम है इसके अंदर क्या है, क्या क्या डालते हैं। इसके अंदर जो सोडियम इनटेक है, जो सॉल्ट है, वो ऑलमोस्ट 1300 मिलीग्राम्स है, आपके आधे दिन के सॉल्ट की कंजम्पशन, जो आपको रेकमेंड करती है FDA फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, 1300 मिलीग्राम इसके अंदर ऑलरेडी है, उसकी रेकमेंडेशन से 50%। सो और उसके बाद ये सॉल्ट आपको मालूम क्या करता है, आपके ब्लड, जो ब्लड प्रेशर है उसको अप करता है, आपके जो हाइपरटेंशन, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोडियम इन देयर बॉडी, और आपको मालूम है ज्यादा सोडियम से आपकी बॉडी पानी, जो लिक्विड है आप दिन में सारा जो ड्रिंक करते हैं, वो होल्ड करती है, फ्लश नहीं करती, तो यू फील ब्लोटेड, क्योंकि आपके मसल और आपके जो स्किन के अंदर काफी ज्यादा पानी है, लिक्विड है, सो विच इज रियली बैड, दैट्स व्हाई हाई सोडियम के कारण। और उसके बाद थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये नूडल्स के अंदर जो इन्होंने फ्लोर यूज किया है, जो आटा यूज किया है, वो व्हाइट है, राइट? सो ये कार्बोहाइड्रेट, अगेन इट्स अ बैड सोर्स ऑफ कार्ब्स, क्योंकि व्हाइट फ्लोर है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ओनली सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब, उसके अंदर कोई विटामिंस, मिनरल्स, ओमेगा 3, प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि जो व्हाइट फ्लावर से जो चीज बनती है वो अनहेल्दी क्यों है, आपके ब्लड को स्पाइक करती है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, पीपल हु हैव डायबिटीज, इसी के कारण है कि व्हाइट फ्लावर। सो ये व्हाइट आटा जो यूज करते हैं, रिफाइंड फ्लावर, वो सही नहीं है। सो ये फ्लावर आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए जो मैगी के अंदर जो व्हाइट फ्लावर यूज किया है वो अनहेल्दी है। सो कार्बोहाइड्रेट जो सही नहीं है आपके लिए, इसके अंदर फैट तो सैचुरेटेड है, आपके हार्ट के लिए सही नहीं है, और जो पैकेट के अंदर सोडियम है, जिसके जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है। और एक फोर्थ पार्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, MSG, मोनो सोडियम ग्लूटामेट। इस पैकेट के अंदर जो अलग अलग फ्लेवर्स है आपको जो टेस्टी लगते हैं, वो है MSG, मोनो सोडियम ग्लूटामेट। MSG बहुत सारी कंपनीज आजकल अपनी हर एक पैक्ड जो प्रोसेस फूड है उसके अंदर MSG ऐड करती है, ताकि जो कस्टमर है वो उसको दोबारा परचेस करें। सो उसका कारण आपको बताता हूं, MSG जो है वो एक अडिक्टेड इंग्रेडिएंट है, राइट? जो पोटैटो चिप्स है मार्केट में मिलते, जो आप खाते हैं तो आप खाते ही जाते हैं बाद में, क्योंकि यू लाइक द फ्लेवर, वो फ्लेवर नहीं, वो MSG कंपनी ऐड करती है उसके अंदर, जो आप
को डिमांड कर रहा है आपकी बॉडी को, आई वॉन्ट मोर। ब्रेन आपका डिमांड करता है, जब वो MSG आपके बॉडी के अंदर जाता है यू वॉन्ट मोर। सो इस नूडल के पैकेट के अंदर MSG है, जो पोटेटो चिप्स के अंदर होता है और बहुत सारे पैक्ट आपको मालूम है जितने भी आप खाते हैं, फैक्ट जितने भी सारा है और जितने पैक्ट प्रोडक्ट्स है उसके अंदर MSG है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट। वो सोडियम होता है लेकिन इट्स सो एडिक्टेड, जिस तरह सिगरेट जो लोग पीते हैं आपको मालूम उसके अंदर निकोटिन होता है, तो जब आप सिगरेट शुरू करते हैं वो निकोटिन आपके अंदर जाता है और यू वॉन्ट मोर, और आपको मालूम नहीं आप सारा दिन में पूरा पैकेट जो है स्मोक कर जाते हैं। सो इसीलिए जो MSG इंग्रेडिएंट है इस पैकेट के अंदर वो ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए, क्योंकि वो एडिक्टेड है। जब आप शुरू करते हैं आप कहते हैं यू लव दिस नूडल और लव दिस चिप्स बिकॉज वो MSG के कारण। सो आपने ध्यान रखना है किसी भी नूडल को जब परचेस करें तो सबसे पहले वो होल व्हीट फ्लावर से बनी होनी चाहिए। बहुत सी कंपनी है जो दावा करती है कि हमारे ये व्हाइट फ्लावर से नहीं बने, हमारे ये होल व्हीट है, लेकिन जो फ्राइड करते हैं इसको, फ्राइड करके बनाकर पैकेट में डालते हैं, वो सबसे वर्स्ट है आपके लिए। और उसके बाद सोडियम, ये तीनों चीजें आपके लिए, सैचुरेटेड फैट, बैड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लॉट ऑफ सोडियम मतलब सॉल्ट, एंड फोर्थ MSG। सो दैट्स व्हाई दिस इज अनहेल्दी फॉर यू, देयर इज नो न्यूट्रिएंट इन देयर। सो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए काम करने के लिए, ये चीज नहीं चाहिए। आपका ब्रेन सेटिस्फाई हो जाएगा कि आई लाइक इट, बट आपकी बॉडी नहीं, आपकी बॉडी जो है वो इस फूड के लिए डिमांड नहीं करती, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन के लिए डिमांड करती है, क्योंकि आपकी बॉडी डिजाइन फॉर न्यूट्रिशन। ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, नॉट नॉन न्यूट्रिशनिस्ट फूड, राइट? आई होप यू गॉट द आंसर।